अब हम लाइन इंटीग्रेशन को समझ लेते हैं. W जो वर्क डन हमने स्मॉल वर्क डन निकाला था dW, ये किसकी वजह से था? Q चार्ज को हमने dL लेंथ से डिस्प्लेस करवाया था, तब छोटा सा वर्क डन हमें परफॉर्म करना पड़ा dW. हमें परफॉर्म करना पड़ा ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मूव करा रहे थे. ठीक है, अब अगर हमें चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट तक ले जाना है और हमें ज़्यादा वर्क डन करना है, तो उस टोटल वर्क डन को मैं मैथमेटिकली फाइंड कर सकती हूँ dW के इंटीग्रेशन से. ठीक है, dW का इंटीग्रेशन मतलब इक्वल टू माइनस, और dW की जगह मैं माइनस QE dL सब्सटीट्यूट कर दूंगी. तो ये टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस Q फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट E डॉट dL, ऐसा डिफाइन किया जा सकता है. इसे ही हम लाइन इंटीग्रेशन कहते हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dL ऐसा बोला जाता है, या E डॉट dL परफॉर्म करना, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं. मीनिंग क्या है मैं समझा देती हूँ. B इनिशियल पॉइंट से A पॉइंट तक मुझे Q चार्ज को मूव करवाना है. डिस्प्लेसमेंट मैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, मतलब पहला मैं dW1 फाइंड आउट करवा सकती हूँ. Q चार्ज को B पॉइंट से डेल्टा L1 डिस्टेंस मूव करवाने में जितनी एनर्जी मुझे खर्च करनी पड़ेगी वो dW1 मेरी हो सकती है, या डेल्टा W1 हो सकती है. फिर जहां पर डेल्टा L1 खत्म हो रहा है वहां से आगे मैं डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L2 से Q चार्ज को करवा सकती हूँ. तो इस तरीके से छोटे छोटे सेगमेंट्स पर मैं Q चार्ज को मूव करवा के मैं टोटल वर्क डन इन वर्क डन्स के एडिशन से मैं निकाल सकती हूँ. मतलब E डॉट dL यहाँ पर, E डॉट dL यहाँ पर, E डॉट dL यहाँ पर, सब जगह पे छोटे छोटे सेगमेंट्स पर मुझे E डॉट dL परफॉर्म करना पड़ेगा और फिर उसका टोटल सम करूँगी तो मुझे टोटल वर्क डन मिलेगा B टू A जाने में. अब E डॉट dL मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टली मेरे लेफ्ट टू राइट में एक्ट हो रही है. अगर मैं ये छोटे से डेल्टा L1 सेगमेंट को देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली इस तरफ होगी, डेल्टा L1 डिस्टेंस इतना है. अगर मैं E डॉट dL यहाँ के लिए परफॉर्म करती हूँ तो मुझे E का कॉम्पोनेंट डेल्टा L1 की डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, जिसे मैं L1 की डायरेक्शन में E के कॉम्पोनेंट को EL1 बोल सकती हूँ. EL1 into डेल्टा L1 ये मेरा टोटल वर्क डन हो जाएगा इतने से डेल्टा L1 डिस्टेंस से Q चार्ज को मूव करवाने में. मतलब टोटल वर्क डन मेरे लिए है माइनस क्यू EL1 डेल्टा L1. इसी तरीके से डेल्टा L2 डिस्टेंस से Q चार्ज को मूव करवाना है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस क्यू EL2 डेल्टा L2. ऐसे करके ये पूरे मेरे वर्क डन छोटे छोटे निकल जाएंगे. ठीक है, अब EL1 क्या है? EL1 जो है वो E का कॉम्पोनेंट डेल्टा L1 की डायरेक्शन में है, और अगर डेल्टा L1 और E के बीच का एंगल θ1 है, यहाँ मुझे θ1 लिखना चाहिए, θ1 है, तो E cos θ1 डेल्टा L1 ये पूरा कॉम्पोनेंट हो जाएगा E का इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा L1, और इनटू Q ये टोटल वर्क डन निकल जाएगा स्मॉल डेल्टा L1 डिस्टेंस से Q को मूव करवाने में. और सिमिलरली मुझे ये टर्म मिल जाएगी अप टू nth टर्म मुझे, या nth डिस्प्लेसमेंट तक मुझे ये वाली टर्म मिलेगी. तो सबका एडिशन हो रहा है, फिर सब में Q कॉमन है तो माइनस Q पहले ही बाहर ले लिया. अब E cos थीटा डेल्टा L1 का मीनिंग क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है, तो E डॉट डेल्टा L1, E डॉट डेल्टा L2, ऐसे करके मुझे सबकी, मतलब मुझे E का डॉट प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंगली डेल्टा L1 डेल्टा L2 सबके साथ मुझे लेते हुए एडिशन करना पड़ेगा. और टोटल जब मैं ये एडिशन को मैथमेटिकली इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करती हूँ तो ये E डॉट dL का इंटीग्रेशन फ्रॉम B टू A निकलता है. अब इसकी एक स्पेशल केस हम कंसिडर कर सकते हैं. सपोज मुझे एक A पॉइंट से B तक Q चार्ज को ले जाना है और कुछ वर्क डन फाइंड आउट किया. सपोज ये वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, फिर हमने B टू A वापस सेम चार्ज को मूव करवाया, तो सेम अपोजिट डायरेक्शन का वर्क डन मुझे करना पड़ेगा. व्हाट डज दिस मीन अपोजिट डायरेक्शन? अगर A टू B जाने में सिस्टम ने अपनी एनर्जी खर्च की है तो B टू A जाने में हम अपनी एनर्जी खर्च करके सिस्टम को उतनी प्रोवाइड कर देंगे. मतलब A टू B, B टू A जाने में सेम
टाइप की एनर्जी खर्च होगी, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब एल्जेब्रिक सम मुझे जो एनर्जी का मिलेगा वो जीरो मिलेगा। और ऐसी फील्ड्स कहलाती कॉन्जर्वेटिव फील्ड्स। कॉन्जर्वेटिव फील्ड्स मतलब यहाँ पर एनर्जी जो है वो कॉन्जर्व्ड रहती है, ए टू बी जाने में अगर एनर्जी खर्च हुई है तो बी टू ए जाने में एनर्जी वापस रीगेन हो जाती, मतलब कॉन्जर्व हो जाती। तो इस टाइप की फील्ड्स जो कहलाती है वो कॉन्जर्वेटिव फील्ड्स कहलाती है। अब कॉन्जर्वेटिव फील्ड्स है तो नॉन कॉन्जर्वेटिव फील्ड्स भी होती है। नॉन कॉन्जर्वेटिव फील्ड्स वो होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ बदल रही है। यहीं पर मैं नॉन कॉन्जर्वेटिव के एग्जाम्पल को समझा सकती हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस इसी डायरेक्शन में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की नहीं होती, बदल रही होती टाइम के साथ, तो नेचुरली इस डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे जो भी मतलब क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने के टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन होती, एक क्वांटिटी होती, और नेक्स्ट यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और क्वांटिटी बदल जाती। ऐसे करते करते बी टू ए जाने में हमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हैंडल करना पड़ता, और वापस ए टू बी आते कॉन्जर्वेशन चेक करने के लिए तो हमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती मिलती। तो नेचुरली जितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने में अगर खर्च की है तो ए टू बी आने में वापस उतनी एनर्जी रीगेन नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है। इसलिए तो जहाँ पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स होती हैं वहाँ पर नॉन कॉन्जर्व्ड फील्ड्स मिलती है, और जहाँ पर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पर हमें कॉन्जर्व्ड फील्ड मिलती है। फील्ड कॉन्जर्व का मतलब है कि लूप में, क्लोज लूप में जब आप चार्ज को मूव करवाते हैं तो एनर्जी में चेंज नहीं होता, सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, मतलब सिस्टम की एनर्जी कॉन्जर्व्ड रहती है। तो ऐसी फील्ड्स को हम कॉन्जर्व्ड फील्ड बोलते हैं। मतलब कॉन्जर्व्ड फील्ड के लिए अगर ई डॉट डी एल हम क्लोज पाथ पर परफॉर्म करते हैं तो वो हमें जीरो मिलता है। मतलब ए टू बी जाने में डब्ल्यू अगर खर्च हुई तो बी टू ए जाने में वापस डब्ल्यू एनर्जी रीगेन हो जाती है। मतलब क्लोज्ड पाथ में, क्लोज्ड लूप में ई डॉट डी एल अगर हम परफॉर्म करते कॉन्जर्व्ड फील्ड के लिए तो हमें कितना मिलता है, जीरो। तो यही प्रॉपर्टी कॉन्जर्व्ड फील्ड की, E dot dl is equal to closed line integration of E dot dl is equal to zero, ये conserved field का characteristics equation है। अब अगर same चीज़ मतलब loop में भी perform कर रहे हैं या conserved field बोल रहे हैं, दोनों ही चीज़ें एक ही हैं, तो हम किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं। या तो हम closed line integration of E dot dl is equal to zero बोलते हैं, या loop में अगर हम charge को move करवाते हैं तो energy हमारी zero खर्च होती है ऐसा बोलते हैं।